हाय फ्रेंड्स, ये है हमारा क्लास 10th का एस चंद का बुक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब जल्दी से हम इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है हमारा बुक क्लास 10th का एस चंद का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। सबसे पहले हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो ये फिजिक्स बुक का कवर और ये उसका नेम प्लेट, इसमें नाम दिस बुक बिलोंग्स टू, और ये उसका यहाँ पे, और ये इसमें ऑथर के बारे में कुछ दिया हुआ है, और फिर यह है उसका इस बुक का कंटेंट। सबसे फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें सारा चैप्टर का थोड़ा थोड़ा समरी दिया हुआ है। सोर्स ऑफ एनर्जी थर्ड चैप्टर, और सारा चैप्टर में हमें जो भी पढ़ना हो थोड़ा थोड़ा समरी दिया हुआ है। फोर्थ चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिफ्थ चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और फिर लास्ट चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और ये आप देख सकते हैं, ये है सबसे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, इस बुक का फर्स्ट चैप्टर। इसमें थोड़ा सा इस बुक का इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डेफिनेशन दिया हुआ है, और ये उसका टॉपिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इस बुक में जो भी टॉपिक्स हैं सब उसको अंडरलाइन किया हुआ रहता है टॉपिक, और टॉपिक बाय टॉपिक उसका सब टॉपिक भी इसमें दिया हुआ रहता है। आप देख सकते हैं इसका, ये फर्स्ट चैप्टर का हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा टॉपिक के बाद क्वेश्चन आंसर रहता है। फर्स्ट में शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेकेंड में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये फिर उसके बाद ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, और ये दो तीन चैप्टर, दो तीन पेज के बाद शायद कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद ये सब आता है। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और फिर हॉट्स और आंसर, और फिर ये नए टॉपिक, और ये सब उसका सब टॉपिक्स है। फिर से सेम तरीका के क्वेश्चंस, और ये आप देख सकते हैं ये पूरा पेज का रिव्यू है, और यही वही क्वेश्चन कुछ टॉपिक्स को पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन है, शॉर्ट वेरी शॉर्ट, और ये फिर टॉपिक्स सब टॉपिक्स काफ़ी डिटेल्स में इस बुक में दिया हुआ रहता है। एक और प्लस पॉइंट है इस बुक का, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस बुक के लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, और थोड़ा मोड़ा नहीं, काफ़ी रहता है इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी क्वेश्चन हैं इसमें, और ये शायद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद शायद ये उसका आंसर है, और ये है एनसीईआरटी क्वेश्चंस का आंसर और एक्सरसाइज। जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन में आंसर दिया, क्वेश्चन था, उसका आंसर इसमें दिया हुआ है, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, चैप्टर बाय चैप्टर। और आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर का ये है आंसर, और इसके बाद है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन विद आंसर, आंसर के साथ में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं इसमें, और ये भी आप देख सकते हैं काफ़ी है इसमें, जिसको प्रैक्टिस करने बहुत मदद मिल सकती है हमारे 10th की प्रैक्टिस के लिए। और ये बुक का लास्ट कवर, और फिर ये फिजिक्स पार्ट वन, और ये है उसका मॉडल पेपर फिजिक्स का, और ये है पार्ट टू केमिस्ट्री, और ये दिस बुक बिलोंग टू, इसमें नाम लिखने वगैरह का है, और फिर ये कंटेंट है सब। चैप्टर फर्स्ट में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट, और फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और इसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें भी सारे चैप्टर का थोड़ा थोड़ा समरी दिया हुआ है। और यह है फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन उसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है एग्जांपल्स के साथ, और ये इसमें दिखाया गया मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके केमिकल रिएक्शन, और ये टॉपिक बाय टॉपिक उसका सब टॉपिक, ये सब टॉपिक जिसे मार्क पॉइंट करके आप अच्छा से पढ़ सकते हैं। केमिकल रिएक्शन ये एक टॉपिक हो गया, और फिर इसके बाद ये बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड उसका सब टॉपिक, और ये आप देख सकते हैं ये है इसके बारे में कुछ। इसमें भी एज ए सेम फिजिक्स की तरह हर एक टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर रहते हैं, जैसे वेरी शॉर्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये आप देख सकते हैं ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये हॉट्स बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और ये फिर उसका टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स के बाद में नए टॉपिक्स, और ये उसका सब टॉपिक्स। इसका भी प्लस पॉइंट बुक के लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये है ये सारा काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, और ये उसका एनसीईआरटी क्वेश्चन का आंसर इसमें, जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन एक्सरसाइज चैप्टर बाई चैप्टर, और ये फिर इसके बाद वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन शायद ये, हाँ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन विद आंसर, आंसर के साथ में, और ये बुक का लास्ट कवर पेज, और ये उसका मॉडल पेपर केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। ये है लास्ट बायोलॉजी पार्ट थर्ड, और ये उसका नेम प्लेट इसमें, और ये ऑथर के बारे में कुछ, और ये उसका कंटेंट, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थोड़ा थोड़ा समरी उसका, और फिर ये है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशंस,
आवर इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। और फिर ये फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, ये उसका थोड़ा सा डिफिनेशन, इंट्रोडक्शन, और फिर उसके बाद फिर टॉपिक, और टॉपिक के बाद में सब टॉपिक्स। ये जैसे मेन टॉपिक न्यूट्रिशन हो गया, और इसके अगला में इसका सब टॉपिक हो गया जैसे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, और उसका सब टॉपिक ऑटोट्रॉपिक्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसी तरीके से। और ये फिर लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बाकी सब तरह बाकी सारे बुक की तरह, और इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। और फिर ये उसका आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, और ये NCERT बुक का सॉल्यूशन एक्सरसाइज का चैप्टर बाय चैप्टर। और फिर ये है ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस विद आंसर, और ये आप देख सकते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस विद आंसर। और फिर ये लास्ट में इसका पेज कवर, और फिर ये इसका बायोलॉजी का मॉडल टेस्ट पेपर। नाउ वी विल टॉक अबाउट मॉडल टेस्ट पेपर फिजिक्स का है ये। इसमें सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और ये और कर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जस्ट लाइक क्वेश्चन पेपर है ये मॉडल टेस्ट पेपर। ये असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और ये सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी में। और फिर इसके बाद आता है सेक्शन सी, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको कम से कम 80 से 90 वर्ड। और यह मॉडल टेस्ट पेपर 2, ये सेम इसी तरीके से आपको सारा। और यह केमिस्ट्री का मॉडल टेस्ट पेपर, और इसमें भी एज सेम एज फिजिक्स, सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये और कर क्वेश्चन, इसमें भी एसर्शन एंड रीजन, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये भी मॉडल टेस्ट पेपर 2, और ये सेक्शन ये है बायोलॉजी का मॉडल टेस्ट पेपर, इसमें भी सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एज सेम एज बोथ बुक्स। और फिर ये आप देख सकते हैं इसमें असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन, और करके वाला रीजन वाला क्वेश्चन, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये आप देख सकते हैं। और ये इसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर 2 बायोलॉजी का, और अब खत्म होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।